I have read the Delhi Lokpal, Jan Lokpal Bill of 2014 and 2015, and I do find a lot of difference in the two, and I do find that there is no similarity with the original draft bill prepared by the India Against Corruption. In the 2014, there was some assurances and some provisions which gave us an impression that the Lokpal, intended Lokpal, is going to be a strong body. But the present one, it is totally different. If you look into the provision of appointing the Lokpal, the earlier it was purely by a committee of judges and other persons who are not in power. But this time, it is by the members of the collegium, are the chief minister, the leader of the opposition, Justice Hegde, and a judge, chief justice of Delhi Justice High Court. Hegde, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपने कहा कि ये जल लोकपाल बिल पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है. बहुत सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? मुझे ऐसा लगता है जो अरविंद जी ने चाहा था जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, वो अभी इनके मन में नहीं है. क्योंकि देख लीजिए, इन्हीं का पार्टी का 5 MLA लोग पुलिस का क्रिमिनल कंप्लेंट में बागी हुए हैं. वैसे भी अगर अरविंद केजरीवाल के पास वो जितना मुतवर्जी था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो अभी नहीं, मुझे नहीं लगता. आम आदमी पार्टी ने, इनफैक्ट राघव चड्ढा मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक गंभीर इल्जाम लगाया कि प्रशांत भूषण साहब बीजेपी के एजेंट हैं. आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर प्रशांत भूषण ये कर रहे हैं? वो कहेंगे कल मैं भी वैसे हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ. इनको मालूम होना चाहिए, मैं अपना माइनिंग रिपोर्ट में 3 मुख्यमंत्री का नाम लिया था. एक का कांग्रेस था, दूसरा तो जेडीएस का था, तीसरा तो बीजेपी के था. मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री के 20 दिन के लिए जेल जाना पड़ा. हम लोग जो कहते हैं वो अपने लिए नहीं, हम कोई ऐसा पोस्ट के पीछे नहीं है. हमें कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं, कोई गवर्नर बनना नहीं. जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा. दिल्ली में स्वराज अभियान के नाम पर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने सड़क पर लड़ाई छेड़ी है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, क्या इस तरह की लड़ाई में आप शामिल होंगे? अभी बात करने नहीं, मैं कोई आंदोलन शुरू नहीं करने वाला हूं. किसी और ने शुरू किया है तो मैं इनसे जोड़ूंगा. जी, चलिए संतोष जी, शुक्रिया.